Hi everyone. Today, let us solve this problem from LeetCode 664 Strange Printer. तो पहले हम देख लेते हैं कि ये problem LeetCode में basically hard category के अंदर दिया गया है और बहुत सारे आपको जो DSA sheets मिलते हैं उनमें ये problem आपको दिखेगा and it is a really interesting problem. So let's start. तो पहले हम problem statement को देख लेते हैं. Problem statement क्या कह रहा है कि there is a strange printer with the following two special properties. The printer can only print a sequence of same character at each time. तो पहला क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रिंटर एक सीक्वेंस ऑफ सेम कैरेक्टर एट ईच टाइम प्रिंट कर सकता है और दूसरा क्या बोल रहा है कि एट ईच टर्न द प्रिंटर कैन प्रिंट न्यू कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम एंड एंडिंग एट एनी प्लेस एंड विल कवर द ओरिजिनल एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स. तो ये पहले आपको अच्छे से समझ में आएगा, स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा आपको कन्फ्यूजन टाइप का रह सकता है, लेकिन चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल दो तीन देख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो पहला तो स्टार्ट करते हैं. देखो पहले लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है. क्या बोल रहा है कि सबसे एक स्ट्रिंग हो गया ए ए बी बी ए ए बी बी बी. ओके, तो ये स्ट्रिंग मेरे को इस प्रिंटर से प्रिंट करना है. तो पहला क्या बोल रहा है कि ये प्रिंटर एक स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर बेसिकली एक टाइप के कैरेक्टर का एक सीक्वेंस इन वन टर्न प्रिंट कर सकता है. तो पहले टर्न में क्या बोल सकते हैं कि हम कि ये ए प्रिंट किया, ठीक है, ए भी कर सकता है, ए भी ओनली कर सकता है, डबल ए भी कर सकता है, लेकिन ए ए ए बी ये कभी नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सेम कैरेक्टर एक टर्न में सेम कैरेक्टर होना चाहिए, बी आपका एक डिफरेंट कैरेक्टर हो जा रहा है. तो ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि चलो मैक्सिमम, हम मैक्सिमम वाला ही लेने सोच के चलते हैं कि मैक्सिमम वाला फर्स्ट टर्न में प्रिंट हो. ठीक है, दूसरे टर्न में क्या बोल रहा है कि एट ईच टर्न द प्रिंटर कैन प्रिंट न्यू कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम एंड एंडिंग एट एनी प्लेस एंड विल कवर द ओरिजिनल एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि पहले अगर मैं सोच लेता हूँ कि अगर ये प्रिंटर इस वर्ड को प्रिंट करेगा तो पहले ये बोल सकते हैं कि पहले ए प्रिंट किया फिर दूसरे बार बी प्रिंट कर दिया. ठीक है, नहीं तो क्या ये प्रिंटर बोल रहा है कि ये ऐसे ही प्रिंट कर सकता है और एक दूसरी तरीके से प्रिंट कर सकता है जो कि सेकंड पॉइंट पे मेंशन है कि तुम पहले ए ए ए ए ए प्रिंट कर दिया फिर सेकंड टर्न में इसने क्या किया, लास्ट के एक दोनों को ये अपडेट कर दिया. समझ रहे हो? क्यों? लेकिन ये जो अपडेट करेगा सेम सीक्वेंस के अंदर अपडेट करना है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा ए ए ए ए ए है और तुम्हें एक्चुअली प्रिंट करवाना है ए बी ए बी ए. तो ये नहीं, ये कभी नहीं होगा कि यहाँ का भी ए अपडेट हो जाए और यहाँ का भी ए अपडेट हो जाए. हर एक टर्न में सिंगल लेटर अपडेट होगा क्योंकि सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ही वो प्रिंट कर सकता है, सब सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस ही प्रिंट कर सकता है. तो ठीक है, अब जैसे ये वो जो वर्ड मेरे पास गिवन है, मेरे पास मैं इस वर्ड को कितने तरीके से मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ. सोचो कि पहले मेरा ए ए बी बी बी, तो मेरा देखो पहला मेथड मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ. मैंने पहले ए प्रिंट किया, फिर ये 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 प्रिंट किया, ये मेरा हो सकता है. तो मेरे को कितने टर्न्स लगे? 6 टर्न्स. दूसरा मेथड मेरा क्या हो सकता है कि मैंने पहले जैसे ये वाला जो मैंने मेथड बोला कि मैंने पहले ही ये एक सीक्वेंस प्रिंट कर दिया, दूसरी बार ये सीक्वेंस प्रिंट कर दिया. ठीक है, तो इसमें मेरे को 2 टर्न लगे. तीसरा मैं कैसा बोल सकता हूँ, मैंने पहले डबल ए किया, फिर दूसरी बार ए किया, फिर मैंने डबल बी किया, फिर लास्ट में बी किया. तो मेरा क्या हो रहा है, 4 सीक्वेंस ले रहा है, 4 टर्न्स ले रहा है बेसिकली. तो यहाँ पे क्या करना है कि अब जो आंसर बोल रहा है, आंसर ये बोल रहा है कि तुमको रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स द प्रिंटर नीडेड टू प्रिंट द स्ट्रिंग. तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो सकता है, देख रहा हूँ यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है. तो यही मेरा मिनिमम है और आंसर तुमको रिटर्न 2 करना है. क्लियर है? और एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चीज को और अच्छे से समझ में आए. जैसे देखो
मेरा एक मैं स्ट्रिंग लेता हूँ ए बी सी डी ए, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे प्रिंट कर दे सकता हूँ, मैंने पूरा ए ले लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड में इस ए को मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, ए ए ए। थर्ड स्टेप में मैंने इस ए को अपडेट किया, फोर्थ पे मैंने ये स्टेप अपडेट किया, तो फोर्थ टर्न्स में मेरा हो जा रहा है। अब और एक मेथड देख लो कि कैसे कर सकते हैं। पहले मैं ए किया, फिर बी किया, फिर सी किया, फिर डी किया, फिर से ए किया, ये भी मैं कर सकता हूँ, ठीक। क्या मैं ये कर सकता हूँ, पहले मैं ए बी प्रिंट किया, फिर मैं सी डी प्रिंट किया, फिर लास्ट में ए प्रिंट किया? नहीं, क्योंकि मैं एक ही टर्न में बस एक ही टाइप का जो कैरेक्टर है वो प्रिंट कर सकता हूँ। डिफरेंट कैरेक्टर्स नॉट अलाउड, डिफरेंट कैरेक्टर्स नॉट अलाउड, ठीक है। तो चलो थोड़ा देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करें। तो अप्रोच करने से पहले एक दो छोटे छोटे बातें बात कर लेते हैं। जैसे तुम अगर सोचो कि मैं समझ रहा हूँ कि मेरा सोचो जो फंक्शन है, वो फंक्शन का मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे एफ, अभी एफ मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये बताऊँ कि अगर तुमको एफ ऑफ ए दे, मतलब मेरा जो स्ट्रिंग है वो है बस एक सिंगल करेक्टर ए है, तो तुम बताओ तुमको कितना टर्न्स लगेंगे इसको प्रिंट करने के लिए। जाहिर सी बात है वन, क्योंकि एक ही बार प्रिंट होगा। अगर मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग गिवन है तब क्या होगा, जीरो। जीरो क्यों होगा, अगर कुछ है ही नहीं तो क्या ही प्रिंट करना है भाई। अब एक इंटरेस्टिंग, अगर सोचो कि मेरे पास दोनों सेम है तो मेरे को कितना मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, वन। क्यों, क्योंकि मैं तो एक ही बार में एक सीक्वेंस प्रिंट कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो सिंगल कैरेक्टर सीक्वेंस है। लेकिन मेरे पास अगर ऐसा कुछ रहे बी सी, तब क्या करोगे, तुम्हारे पास दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो तुमको पहला बी प्रिंट करना है, फिर सी प्रिंट करना है, या तो तुम डबल बी प्रिंट करो, फिर उसके बाद इसको अपडेट कर सी करो। तो मेरे को तुमको दो टर्न्स लगेंगे। तो दो टर्न्स या थोड़ा ज़्यादा कब लग रहा है, जब तुम्हारे अगर तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रिंग गिवन है कि ए बी सी डी ई, मतलब सारे स्ट्रिंग्स तुम्हारे पास एकदम डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स अगर तुम्हारे पास हैं तो तुमको हमेशा तुम्हारा आंसर क्या होगा, जो स्ट्रिंग का साइज होगा वही तुम्हारा आंसर है। तो अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग है तो उसके लिए मेरे को ये चाहिए। तो क्या मैं बता सकता हूँ, सोचो कि मैं बता रहा हूँ, मैं नॉर्मली सोचो कि मेरा एक आंसर है जो जिसके अंदर मेरा पूरा आंसर होगा। तो इस आंसर का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये आंसर का इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या सकता है, मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रिंग के साइज के बराबर हो सकता है, वही ना। जैसे तुम और एग्जांपल लेके सोचो, जैसे एक्स वाई जेड तीनों डिफरेंट है, तो मैं पहले स्टेप में क्या करूंगा, एक्स प्रिंट किया, फिर वाई प्रिंट किया, फिर जेड प्रिंट किया, तो मेरे को मैक्सिमम कितना लगा, तीन, जो क्या है, जो कि स्ट्रिंग का लेंथ है। अब समझ में आया बात को, कि अभी जितना बात किया ये बाद में यूज होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि अगर एंड जो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर सोचो कि इसको मैं ऐसे लिखा कि वर्स्ट कंडीशन का जो आंसर होगा, वर्स्ट कंडीशन मतलब क्या, तुम हर एक सिक्वेंस को अलग अलग प्रिंट कर रहे हो, यही तो तुम्हारा वर्स्ट कंडीशन हो गया ना। तो जो वर्स्ट कंडीशन होगा उसका जो आंसर होगा, उसका आंसर होगा इस डॉट साइज, बेसिकली मतलब उस स्ट्रिंग का साइज तुम्हारा आंसर होगा, क्लियर। अच्छा अब क्या कह रहा है कि द प्रिंटर कैन प्रिंट ओनली अ सीक्वेंस ऑफ सेम कैरेक्टर एट ईच टाइम, और जो न्यू कैरेक्टर प्रिंट होगा वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं पे भी एंड हो सकता है, और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग का एग्जिस्टिंग कैरेक्टर होगा उनको बेसिकली उनको कवर कर देगा या फिर उनको अपडेट कर देगा, जो भी लैंग्वेज में तुम समझना चाहो। तो देखो अब मैं अगर नॉर्मली इस चीज़ को देखूं कि ये किस टाइप का एक प्रॉब्लम लग रहा है, हमारे पास हमेशा जैसे कंप्यूटर साइंस का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हो गया, या फिर नॉर्मल कंप्यूटर साइंस का जो बैकग्राउंड है, अगर उसको बात करें, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली सोचो कि कुछ ऐसा होता है कि 50-60 कुछ फिक्स्ड प्रॉब्लम्स हैं, और तुम जितने भी 5,000-6,000 प्रॉब्लम देखते हो वो उन्हीं 6,000 वही 50-60 प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड ही होते हैं। तो
तो तुमको ये समझना होगा कि ये कौन से पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तुम्हारे पास टाइम उतना नहीं है, अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर तुम अगर जॉब में जाने वाले एक पर्सन हो, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि 5,000 6,000 प्रॉब्लम करो। तुमको क्या करना है, तुमको कि एक प्रॉब्लम का पैटर्न समझना है कि कौन से पैटर्न के साथ मैच कर रहा है। तो जैसे मेरे को लगता है कि सबने एमसीएम किया होगा, एमसीएम तो सबने ही किया होगा, या फिर और इसका ही एक और एक टाइप का प्रॉब्लम होता है पैलिंड्रोमिक पार्टिशनिंग, ये प्रॉब्लम भी शायद सब लोग किए होंगे। तो एमसीएम हो चाहे पैलिंड्रोमिक पार्टिशन हो, ये सब एक टाइप के डीपी के अंदर आते हैं। क्या है उसका नाम हम देते हैं पार्टीशन डीपी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं अब तुमको समझाऊंगा कि ये मैं क्यों तुमको बोल रहा हूँ कि पार्टीशन डीपी या फिर ये एमसीएम या फिर पैलिंड्रोमिक पार्टीशन। हिंट तुमको शायद मिल ही गया जब बोल ही दिया हूँ ये प्रॉब्लम इनके ही ऊपर बेस्ड है। तो अगर मैं तुमको डराना ना चाहूँ कि ये डीपी है, तो मैं तुमको बस सीधी सी सीधे थोड़ा मैं इंट्यूशन मैं तुमको देता हूँ। देखो जैसे मैंने मैंने पहले क्या बोला कि वोस्ट कंडीशन में क्या होगा, वोस्ट कंडीशन में तुम्हारा ये होगा कि सारे एस डॉट लेंथ, वो तुम्हारा जो भी एस डॉट लेंथ हो, एस डॉट साइज हो, जो तुमको अच्छा लगे, तो एस डॉट लेंथ तुम्हारा आंसर होगा। तो क्या हम उससे थोड़ा बेटर कर सकते हैं? बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि वोस्ट कंडीशन को क्या हम थोड़ा बेटर कर सकते हैं। सोचो कि मेरे पास ये ऐसा कोई एक गिवन है ए बी ए सी डी, ठीक। अब ए बी ए सी डी क्या ऐसे हम क्या इसको प्रिंट कर सकते हैं? अगर मैं सोचो कि मैं इसको ऐसे ही प्रिंट कर दिया कि अगर मैं पहले ही 5 ए कैरेक्टर्स को मैं प्रिंट किया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक जगह पे मैं जस्ट अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पे बी अपडेट किया, फिर दूसरे में यहाँ पे सी अपडेट किया, यहाँ पे डी अपडेट किया, तो मेरे को ये लगे 4, ठीक है। तो और अगर मैं वोस्ट केस को मैं अगर देखूँ, वोस्ट केस का मेरा जो प्रिंसिपल है, मेरे का हर एक 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 करके होगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5। तो बेसिकली 4 5 से का थोड़ा बेटर है, ऑब्वियस सी बात है, 5 थोड़ा 4 से बेटर है। तो क्या हम ये प्रिंसिपल को लगा सकते हैं? देखो दिम अगर तुम सोचोगे कि अगर मैं मेरा जो स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है, अगर मैं इसको पूरा पहले ही प्रिंट कर दूँ, कितना प्रिंट करना है, इक्वल टू जितना एन होगा, एन मतलब स्ट्रिंग का लेंथ जितना होगा उतना ही अगर मैं ए पहले प्रिंट कर दूँ फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट टर्न में, उसके बाद मैं इन एज को अपडेट करते जाऊँ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग, तुम देखो कि जहाँ जहाँ पे ए ऑलरेडी है, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, इसको प्रिंट करने के लिए मेरे को कोई एडिशनल स्टेप नहीं लग रहा, पहले स्टेप में ही मेरा प्रिंट हो गया। तो डेफिनेटली ये अप्रोच, मतलब जो मेरा फर्स्ट मेरा क्या है कि मेरे को फर्स्ट लेटर पहले देखना है, या फिर फर्स्ट कैरेक्टर जो बोल रहे हो, फर्स्ट कैरेक्टर को मेरे को होल होल स्ट्रिंग के लिए मेरे को प्रिंट करना है, क्लियर। उसके बाद इससे इसका फायदा क्या हो रहा है, इसका फायदा तुम देखो, इसका फायदा ये हो रहा है कि जहां जहां पे अगर मेरा डुप्लीकेट केस हो, मतलब जहां जहां पे तुम्हारा ये जो फर्स्ट कैरेक्टर रिपीट करे, उनको प्रिंट करने के लिए मेरे को कोई एडिशनल टर्न लेने का कोई जरूरत नहीं हो रहा। हो ना, इंट्यूशन थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली? मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले पहले मैं जैसे सोचो और एक स्ट्रिंग लो, और एक स्ट्रिंग लो ए बी ए, ठीक है, छोटा सा स्ट्रिंग है, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोला कि मैं पहले तुमको 3 ए प्रिंट करूँ, 3 इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ 3 है, तो मैंने पहले 3 ए प्रिंट किया। अब 3 ए प्रिंट करने के बाद तुम देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस मिडल वाले ए को मैं बी कर दूंगा, तो मेरा मेरे को पूरा स्ट्रिंग मिल गया जो मेरे को प्रिंट करना था। लेकिन अगर मैं वोस्ट कंडीशन को मैं अगर फॉलो करूँ, वोस्ट कंडीशन क्या कहता है कि पहले ए को प्रिंट करो, फिर बी प्रिंट करो, फिर ए प्रिंट करो, तो कहीं ना कहीं ये वाला स्टेप इससे तो बेटर है, इससे तो बेटर है ही ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा बेटर है इससे। तो चलो देखते हैं कि इसको मैं कैसे थोड़ा इंटेलिजेंटली यूज कर सकता हूँ इसको। अब देखो मेरे पास स्ट्रिंग क्या है, ए बी सी डी ए, ठीक। अच्छा अब क्या मैं इस स्ट्रिंग को सोचो कि मैं इस स्ट्रिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस स्ट्रिंग को 2 हिस्से में तोड़ रहा हूँ, ए बी सी डी ए। तो मेरा जो फंक्शन होगा, पहला जो रिकर्सिव फंक्शन होगा, वो रिकर्सिव फंक्शन इसको इनपुट लेगा, फिर जब मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो रिकर्सिव फंक्शन इसको इनपुट लेगा, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा ये कहीं ना कहीं इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। ए बी प्रिंट करने के लिए मेरे को जितने टर्न्स लगेंगे, सी डी ए प्रिंट करने के लिए मेरे को जितने टर्न्स लगेंगे, उन दोनों का एडिशन या उन दोनों का ही तो कॉम्बिनेशन से मेरे को ए बी सी डी ए मिलेगा।
ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये बात तुमको समझ में आ रहा है कि इन दोनों का कम्बिनेशन ही मेरे को ये आंसर देगा, तो तुम सोचो कि ये क्या हो सकता है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बहुत तरीके से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। मैं पहले यहाँ पे अगर मैं ब्रेक किया, यहाँ पे अगर मैं ब्रेक किया तो मेरे पास ये आया, ठीक है? तो इसको प्रिंट करने का जो आंसर आएगा, इसको प्रिंट करने का जो आंसर आएगा, उन दोनों का सम जो होगा वो मेरा आंसर होगा। इसको ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे आया, यहाँ पे जब आएगा तब कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तब ऐसे ब्रेक करते हैं तो एक साइड ए बी दूसरे साइड सी डी है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब आएगा तब हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तब हम ए बी सी और डी ए पे ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट पोजिशंस में हम इसको दो हिस्से में तोड़ सकते हैं। बेसिकली एक बिग जो प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है, उसको हम स्मॉलर प्रॉब्लम में हम तोड़ रहे हैं, ताकि स्मॉलर प्रॉब्लम को हैंडल हम कर सकें अच्छे से। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हम ए बी सी डी ए जो है, यहाँ पे एक पार्टीशन कर रहे हैं, यहाँ पे एक पार्टीशन कर रहे हैं, यहाँ पे एक पार्टीशन कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टीशन कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पार्टीशन कर सकते हैं? यहाँ पार्टीशन करने का मतलब क्या है? एक तरफ एम्प्टी स्ट्रिंग, दूसरी तरफ ए बी सी डी ए, इसका कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, क्योंकि यही तो फिर से हमको तो यही इसका ही तो आंसर चाहिए। क्या हम यहाँ पार्टीशन कर सकते हैं? यहाँ पार्टीशन का मतलब क्या हो सकता है कि ए बी सी डी ए जो है एक साइड है दूसरे साइड, ये भी यूजलेस है। तो पार्टीशन हम यहाँ ही कर सकते हैं, बस इन बीच जगह पे हम पार्टीशन कर रहे हैं, दोनों हिस्से में इसको तोड़ रहे हैं। अब दोनों हिस्से में जब तोड़ रहे हैं तो उनका ही जो आंसर आ रहा है, उसको आंसर को कॉम्बाइन करके हम अपना मेन आंसर लिख रहे हैं। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं तुमको एमसीएम वाला फॉर्मेट दिख रहा है कि हम हर एक जगह पे पार्टीशन करते जाएंगे, पार्टीशन करने के बाद जिन पार्टीशन, हर एक पार्टीशन मेरे को एक एक यूनिक आंसर देगा, ये पार्टीशन मेरे को एक यूनिक आंसर देगा, ये वाला पार्टीशन मेरे को एक यूनिक आंसर देगा, ये वाला पार्टीशन एक यूनिक आंसर देगा, ये वाला पार्टीशन एक यूनिक आंसर देगा, ये वाला पार्टीशन एक यूनिक आंसर देगा। तो ये जो पार्टीशन हमको देगा, तो हर एक जो यूनिक आंसर बन रहा है, इनका ही तो अगर हम मिनिमम ले ले कहीं ना कहीं से, तो यही तो मेरा मेन आंसर हो गया ना। हाँ, समझे बात को? मैं डिफरेंट, जितने भी डिफरेंट तरीके हैं उनमें मैं इसको पार्टीशन कर रहा हूँ, हर एक पार्टीशन मेरे को एक यूनिक आंसर दे रहा है। उन यूनिक आंसर्स को मैं कंबाइन करके उन यूनिक आंसर्स का जो मिनिमम है उसको ही मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे करें। तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि ये तुम्हारा एमसीएम फॉर्मेट या फिर जो भी बोलो पैलिंड्रोमिक पार्टीशनिंग, उस टाइप का एक प्रॉब्लम है, या फिर इवेलुएट बुलियन एक्सप्रेशन टू ट्रू और फॉल्स, जो भी हो। तो पहले देख लेते हैं। तो जैसे देखो, मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, तो मेरा जो पहला फर्स्ट स्टेप जो क्या है, फर्स्ट स्टेप अगर एमसीएम फॉर्मेट का अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? मेरा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि मुझे बेस कंडीशन डिफाइन करना है। ठीक है, बेस कंडीशन डिफाइन करने के लिए हमें एक चीज़ का हेल्प लेना होगा, हमको आई जे डिफाइन करना होगा। आई क्या होता है? स्टार्टिंग इंडेक्स। जे क्या होता है? एंडिंग इंडेक्स। जनरली आई तुम्हारा हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और आई जे तुम्हारा राइट साइड में होता है, जनरली लेफ्ट टर्मिनल राइट टर्मिनल। इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि आई कहाँ से स्टार्ट होगा, जे कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे देखो, मेरे पास जो स्ट्रिंग है ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए मेरा स्ट्रिंग है, ए बी सी डी ए। तो अगर मैं आई यहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँ, और जे को मैं अगर एन माइनस वन लूँ, एन मतलब एन इक्वल टू तुम्हारा है एस डॉट लेंथ, स्ट्रिंग का जो लेंथ है। ओके, तो अगर ए आई इक्वल टू तुम्हारा 0 है, जे इक्वल टू एन माइनस वन है, तो पहले देखो कि आई इक्वल टू 0 अगर है, क्या ये ठीक है? इसमें कोई गड़बड़ी थोड़ी है? आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू एन माइनस वन, यहाँ पे तुम अगर देखोगे, नहीं यहाँ पे एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम आई इक्वल टू होता स्टार्टिंग, मतलब ए से स्टार्ट करेंगे और जे तक जाएंगे, ठीक है? तो अब देखते हैं कि बेस कंडीशन कैसे बनाए। बेस कंडीशन मैंने देखो, मैंने क्या बोला कि इस बेस कंडीशन में अगर तुम्हारे पास सिंगल कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर है, तो तुम क्या प्रिंट करो? तुम वन प्रिंट करो, ठीक है? तो तुम्हारे पास एक बेस कंडीशन, तुम ऐसा बोल सकते हो कि इफ आई इक्वल टू जे। बेसिकली आई जे क्या करता है? आई जे तुमको इस स्ट्रिंग का लेंथ बताता है। जिस जिस मतलब अगर तुम्हारे पास एफ ऑफ आई कॉमा जे और कॉमा एस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का कौन सा पार्ट को हम करेंटली प्रोसेस कर रहे हैं, वो बेसिकली तुम्हारा आई और जे बोल देता है। तो आई और जे, यहाँ पे आई हम जैसे 0 से स्टार्ट किया, जे एन माइनस वन से,
तो पहले देखो, अगर आई इक्वल टू इक्वल टू जे, आई इक्वल टू इक्वल टू जे का क्या मतलब होता है? यहाँ पे कहीं पे आई है, यहाँ पे कहीं पे जे है, तो आई इक्वल टू जे का क्या मतलब है? सिंगल कैरेक्टर। आई इक्वल टू इक्वल टू जे का क्या मतलब है? सिंगल कैरेक्टर। तो हमने क्या बोला कि सिंगल कैरेक्टर के लिए तुम क्या करो, रिटर्न वन कर दो। अच्छा, और एक चीज, हमेशा यहाँ पे एक रूल था कि आई ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जे होगा, ये रूल था। आई अगर तुम्हारा जे से बड़ा हुआ तो क्या हो सकता है? देखो, तो सोचो कि आई, मेरा आई इक्वल टू वन है, जे इक्वल टू फोर है। आई इक्वल टू वन है, जे इक्वल टू फोर है, मतलब मेरा इतने सारे मेरे पास कितने, चार कैरेक्टर्स हैं, मेरे को स्ट्रिंग का लेंथ मिल रहा है। अच्छा, आई इक्वल टू अगर टू हुआ, जे इक्वल टू टू हुआ, तो तुम्हारे पास क्या है कि सिंगल कैरेक्टर है, तुमको आंसर मिला। लेकिन अगर आई इक्वल टू फाइव हुआ, जे इक्वल टू फोर हुआ, क्या इसका कोई मतलब हो रहा है? क्या बोला मैंने कि जैसे सोचो, यहाँ पे जे आया, जे इक्वल टू क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। यहाँ पे आई इक्वल टू, अगर मैं बोला कि आई इक्वल टू फाइव है, क्या इसका कोई मीनिंग है? छोड़ो, इसको फोर लो, मतलब थ्री से जस्ट एक बड़ा, क्या इसका कोई मीनिंग है? यहाँ पे कोई स्ट्रिंग मौजूद तो है नहीं। तो ये मेरा कंडीशन क्या हुआ, ये मेरा इनवैलिड कंडीशन के ऊपर आ रहा है। अगर जब इनवैलिड केस होगा तो क्या मैं इसको भी एक एक एक, एक, एक मतलब बेस कंडीशन में डाल सकता हूँ कि अगर मेरा आई जे से बड़ा हुआ तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न जीरो। बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग वाला जो लॉजिक था, वो लॉजिक भी एम्प्टी स्ट्रिंग एग्जैक्ट है नहीं। ये बेसिकली क्या है, ये हम दो तरीके से हम बेस केस डिफाइन करते हैं, कि इनवैलिड इनपुट से भी बेस केस तुम डिफाइन कर सकते हो, तुम वैलिड इनपुट से भी बेस केस डिफाइन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तुम कहाँ से डिफाइन करोगे? वैलिड इनपुट से करोगे तो तुमको स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट देखना होगा। और स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या था? स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकता है, लेकिन मैंने बोला ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग तो ऑलरेडी जीरो तुमको देगा ही, तो एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए तुम एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ के तुम एक काम से, तो तुम सिंगल एलिमेंट का देख लो, सिंगल एलिमेंट हुआ वो भी तुम्हारे एम्प्टी हुआ, तो सिंगल एलिमेंट के लिए तुम उसको रिटर्न कर दे। जब एम्प्टी स्ट्रिंग होगा उसको हम जैसे नॉर्मल अपने मेन फंक्शन में ही तो उसको हैंडल कर सकते हैं, तो उसके एम्प्टी स्ट्रिंग को लेकर टेंशन लेने का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब इनवैलिड होगा तो इनवैलिड से भी तुम देख सकते हो कि इनवैलिड से, जैसे मैंने ये जो बेस कंडीशन निकाला ये मैंने इनवैलिड वाले से निकाला कि ये मेरा इनवैलिड कंडीशन है। ओके, तो इतना दूर तक हुआ तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट है, बेस कंडीशन मेरा डिफाइन हो गया। सेकंड में आता हूँ, सेकंड मेरा स्टेप क्या हो सकता है? सेकंड मेरा स्टेप है, आई जे तो मैंने निकाल लिया, तो सेकंड स्टेप हम देखते हैं कि के का जो के लूप जो होता है उसको हम निकालेंगे पहले। अब के लूप क्या होता है, देखो के लूप का मतलब मैंने क्या बोला, ये बेसिकली कहाँ कहाँ पार्टीशन कर रहे हो, कैसे आंसर निकाल रहे हो इसका, ये तुम्हारा मेन है, यही मेन है, यही मेन है पूरे प्रॉब्लम का, यही मतलब जान है। ये निकालना आ गया तो सब कुछ निकालना आ गया। तो जैसे ए बी सी डी ई ए, ये आई, यहाँ जे, ठीक है। अब सोचो कि के यहाँ पे, मतलब मैं के पोजीशन पे पार्टीशन करूंगा, यहाँ पे अगर के हुआ तो, यहाँ पे अगर के हुआ तो आ ए बी सी डी ई ए होगा, यहाँ पे के होगा तो ऐसे पार्टीशन होगा, ए बी सी डी ई ए ऐसे होगा, यहाँ पे के होगा तो ए बी सी एक साइड, डी ई ए एक साइड, तो हर एक के पे पार्टीशन होने वाला है तुम्हारे स्ट्रिंग में। तो देखो पहले कि हम के का तो मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, के का क्या वैल्यू हो सकता है पॉसिबल। तो देखो के का पहला वैल्यू क्या, के इक्वल टू आई ले सकते हैं, के इक्वल टू आई ले सकते हैं, लेकिन मैं पसंद करता हूँ के इक्वल टू आई प्लस वन से काम करना। के इक्वल टू आई प्लस वन हम ले सकते हैं, देखो के इक्वल टू आई प्लस वन का क्या मतलब होता है, अगर मैं बोलूँगी कि यहाँ मेरा आई है, ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ मेरा के है, ये क्या है, के आई प्लस वन, के इक्वल टू आई प्लस वन अगर होगा तो मैं क्या इसको ऐसे पार्टीशन कर सकता हूँ, ए और बी सी डी। बेसिकली मैं कैसे पार्टीशन कर रहा हूँ, आई टू के माइनस वन और के टू जे, ये मेरा पार्टीशनिंग स्कीम हो गया। ठीक है, क्योंकि क्यों मैं कर रहा हूँ, के इक्वल टू आई प्लस वन से मैं जे तक ले रहा हूँ। अच्छा, अब देखो कि के का लास्ट वैल्यू मैं कहाँ तक ले सकता हूँ, क्या के का वैल्यू मैं लास्ट जे तक ले सकता हूँ? के का फाइनल वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे जे है यहाँ पे के है, तो के का अगर लास्ट वैल्यू जे ले सकता हूँ तो क्या मैं ले सकता हूँ? हाँ, देखो आई टू पहला पहला पार्टीशन मेरा कहाँ से जाएगा, आई टू के माइनस वन तक जाएगा, दूसरा पार्टीशन कहाँ से जाएगा, के टू जे जाएगा। पहला पार्टीशन आई टू के माइनस वन जाएगा, दूसरा पार्टीशन के टू जे जाएगा। के टू जे का क्या मतलब है, ये जो लास्ट एलिमेंट वही तो के टू जे है ना, मतलब लास्ट में सिंगल एलिमेंट में ये टूट जाएगा, समझ रहे हो? देखो समय फिर से यही सेम एग्जाम्पल को हम लेते हैं, ए बी सी डी ए, मेरा के यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, ठीक है, ये मेरा क्या इंडेक्स हुआ, के माइनस वन, तो
कहाँ से, ये पहला पार्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक आ गया कि -1, और ये मेरा लास्ट पार्ट के 2j, ठीक है। लास्ट पार्ट मेरा क्या हो गया, एक सिंगल कैरेक्टर ए आया, यहाँ पे 4 कैरेक्टर आ गया, ABCD। अगर तुमको इतना तक समझ में आएगा कि हम पार्टीशन कैसे करेंगे, तो मेरे और पार्टीशन करना स्कीम तुमको समझ में आएगा। और दूसरा और एक स्कीम जो पता चला कि तुमको के का क्या वैल्यू लिखना है, के का लूप क्या होगा, तो हम वो समझे के इक्वल टू i+1 से लेके के लेस देन इक्वल टू j, और के का इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, सिंगल सिंगल स्टेप इंप्लीमेंटेशन होगा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन का है नहीं। तो इस फॉर लूप के अंदर हम क्या करें, फॉर लूप के अंदर पहला स्टेप क्या आता है कि एक टेम्पररी वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना, और जो मेन वेरिएबल अपना जो आंसर है वो, अगर उस वो जो मेन वेरिएबल अपना जो आंसर होगा, तो ये सारे टेम्पररी आंसर के ऊपर कोई एक फंक्शन हम लगाएंगे, उसका वो जो फंक्शन लिख ले उसका जो आंसर होगा, यहाँ पे यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा मेन है, क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब तुमको और एक चीज़, हम और एक चीज़ मैं बताता हूँ, और एक चीज़ देखो ऐसे कि तो मेरा जो फंक्शन था कि ए बी, छोड़ो कि ऐसा ऐसा कोई एक मेरा स्ट्रिंग है ए बी सी ए डी, ए बी सी ए डी अगर मेरे पास स्ट्रिंग है तो, और सोचो कि मेरा के यहाँ पे है, तुम सोचो के मतलब एग्जैक्टली मेरा ए पोजीशन पे है, तो जब मेरा के ए पोजीशन पे आएगा और मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, मेरा जो फर्स्ट स्टेप है, मेरा जो फर्स्ट स्टेप है मैंने वहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट कर लिया, जितना लेंथ है उतना प्रिंट तक मैं प्रिंट कर लिया हूँ, तो अगर मैं इसको, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ कि ए बी सी एक साइड और डी ई दूसरी साइड, ये तो ऑलरेडी प्रिंटेड है, ये तो ऑलरेडी प्रिंटेड है, इसके साथ ये, इसके साथ ये तो सिमिलर है ना, तो ये जब ऑलरेडी मेरा प्रिंटेड है, तो क्या मैं इसको इग्नोर करके, मैं ये जो लास्ट पार्ट है मैं इनको और इसको, ये जितना भी होगा इन दोनों का मैं देख सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा पहले स्टेप में ही हो गया था। अगर मैं इसको करूँ तो देखो मेरा थोड़ा लेंथ क्या हो रहा है, तुम्हारा i2 k-1 एक लूप गया और k+1 to j तक गया, गया कि नहीं गया, ये अगर आई हुआ ये अगर जे हुआ, तो i2 k-1, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी प्रिंटेड है, अगर ये प्रिंटेड है तो मैं यहाँ पे पार्टीशन लगा सकता हूँ, ये मेरा ऑप्टिमल पार्टीशन होगा ना, यही तो मैंने केस बोला कि मेरा जो बेटर सॉल्यूशन था, उस बेटर सॉल्यूशन का लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि जो अगर जो जो ए बार बार मेरा ए मतलब क्या, जो जो मेरा फर्स्ट लेटर है करंट स्ट्रिंग का, वो फर्स्ट लेटर जहाँ जहाँ रिपीट करेगा, मैं अगर वो जो जहाँ जहाँ रिपीट करेगा वो जो कैरेक्टर है, जहाँ जहाँ रिपीट करेगा वो जो कैरेक्टर है, वो प्रिंट करने के लिए मेरे को कोई एक्स्ट्रा टर्न नहीं लग रहा, तो मैंने उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ किया, उसी बेसिकली जो लॉजिक है उसको मैं यूज़ किया, मैं यहाँ पे मैं अगर पार्टीशन करूँ, ये मेरा बेटर कंडीशन का पार्टीशन, मैं अगर यहाँ पे पार्टीशन करूँ तो ये तो मेरा प्रिंटेड है, तो मैं बाकी पूरे चीज़ को मैं फिर से ब्रेक करके मैं प्रिंट करूँगा। अभी तक इतनी बात समझ में आ गया शायद, तो मेरा जो, अच्छा और दूसरी बात देखो, अगर तो इसको अगर मैं जब तोड़ूंगा, तो इसको प्रिंट करने के लिए मेरे को जितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, इसको प्रिंट करने के लिए मेरा जितना नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, उनका ही तो एडिशन मेरे को मेन आंसर देगा, जो टेम्पररी आंसर है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किया इस पार्टीशन के लिए, यही तो मेरा आंसर होगा ना। तो के लूप के अंदर क्या मैं ऐसा एक लिख सकता हूँ कि अगर मेरा जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर मतलब तुम्हारा जो एस ऑफ आई है, एस ऑफ आई तो तुम्हारा फर्स्ट लेटर है, वो अगर बराबर तुम्हारे एस ऑफ के हुआ, तो तुम्हारे पास एक वेरिएबल तुम डिक्लेयर करो इन टेम्प, उस वेरिएबल में तुम क्या करो, तुम सोचो कि जो तुम्हारा फंक्शन है, कोई फंक्शन ले लो कि फंक्शन का जो स्ट्रिंग दे, स्ट्रिंग डाल दिए तुम i2, मैंने क्या बोला k-1 तक, प्लस फंक्शन टू s2 क्या होगा k+1 से j तक, ठीक है, ये तुम्हारा अगर मैं जो लूप है उस लूप के अंदर मैं इसको डाल दे रहा हूँ, क्लियर। अब देखो अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने बस क्या किया कि के लूप निकाला, के लूप से मतलब हमने अभी तक जितना स्टेप किया वो अगर मैं स्टेप को समराइज करूँ, जैसे देखो मेरा बेस कंडीशन हो गया, दूसरी बात मेरा क्या होगा, मैंने आई जे कहाँ से क्या होगा वो मैं समझ गया, तीसरा क्या हुआ मैंने के लूप डिफाइन किया, लेकिन अब के लूप के साथ मेरा जो टेम्पोररी आंसर मेरा कैसे आ रहा है वो मैंने कर लिया, लेकिन इस टेम्पोररी आंसर से मेरा जो फर्स्ट स्टेप है कि आंसर से मेरा जो टेम्पोररी आंसर आएगा, टेम्पोररी आंसर से जो मेरा मेन आंसर आएगा वो मेरे को अब लिखना है, तो यही स्टेप मेरा हमारा बाकी है, बाकी पूरा क्वेश्चन लगभग खत्म। तो चलो देखते हैं कि इस उस क्वेश्चन को मैं कैसे बाकी खत्म कर सकता हूँ, तो मेरा सोचो कि यहाँ पे जो फॉर लूप है, फॉर लूप मैंने क्या बोला के इक्वल टू i+1 से के लेस देन इक्वल टू जे के प्लस प्लस, अंदर हम क्या लिखेंगे, इफ एस ऑफ आई
इक्वल टू एस ऑफ के इन टेम्प, सो जो कि फंक्शन का नेम मैं एफ ही दे रहा हूँ अभी, एस कॉमा आई से के माइनस वन तक प्लस एस कॉमा के प्लस वन से लेके जे तक, ठीक है। इस लूप के बाहर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ एंस करके, जिसका जिसमें क्या स्टोर होगा, वन प्लस एफ ऑफ एस कॉमा आई कॉमा जे, सॉरी आई प्लस वन जे, आई प्लस वन जे। ये अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है, ये मैं क्यों लिखा। देखो मेरा, मैंने क्या बोला कि मेरा जो वर्स्ट कंडीशन का जो होगा मेन मेन, अगर अगर पूरे स्ट्रिंग में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो तो मेरा वर्स्ट कंडीशन वाला ही सेटिस्फाई होगा। तो क्यों ना मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों ना मैं वर्स्ट कंडीशन का जो आंसर होगा, वर्स्ट कंडीशन का क्या आंसर होगा कि पहले एक स्ट्रिंग प्रिंट करो, फिर उसके बाद तुम पहले एक लेटर को प्रिंट करो, फर्स्ट लेटर प्रिंट करो, फिर उसके बाद बाकी बाकी प्रिंट करो, फिर उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट लेटर प्रिंट करो, फिर रेस्ट प्रिंट करो, फिर इसका जो स्ट्रिंग फर्स्ट लेटर प्रिंट करो, फिर लास्ट में जो डी बचा है उसका डी प्रिंट करके निकल जाओ। ये मेरा बेसिकली वर्स्ट कंडीशन का रिकर्सिव फंक्शन का यही तो कोड होगा ना, रिकर्सिव फंक्शन का कोड क्या होगा, यही होगा। तो ये मेरा वर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूँ। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर ये जो वर्स्ट कंडीशन का जो आंसर आएगा वो इस एंस में स्टोर होगा, इस एंस में जो स्टोर होगा क्या ये जो ये मेरा क्या है, ये मेरा बेटर मेथड वाला मैं लिख रहा हूँ। तो अगर मेरा थोड़ा अच्छा जो मेथड है तो क्या मैं चेक कर सकता कि अगर ये टेम्प, अगर ये टेम्प मेरा ये जो वर्स्ट कंडीशन का जो आंसर है जो कि एंस वेरिएबल पे स्टोर है, अगर ये टेम्प मेरे एंस पे, टेम्प अगर एंस से छोटा है तो मैं एंस को अपडेट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत इस स्टेप पे, ठीक है। थोड़ा ब्रैकेट ब्रैकेट लगा लो ताकि ठीक लगे, ओके। अगर मेरा ये जो टेम्प है, मैंने क्या किया, पार्टीशन किया, पार्टीशन का जो आंसर आ रहा है वो इस टेम्प पे है और बाकी मैं वो टेम्प आंसर पे स्टोर कर रहा हूँ, अगर वो टेम्प उससे ऑप्टिमल आंसर मेरे को दे रहा है, ठीक है। तो इतना दूर तक खत्म हो गया और एट दी एंड हम क्या करेंगे, रिटर्न एंस करेंगे, क्लियर। तो ये जो मैंने अभी तक जितना भी तुमको कोड समझाया है, अगर मैं उसको अच्छे से समराइज करूँ तो देखो, पहले मैं अगर पूरा जो कोड लिख रहा हूँ वो मेरा रिकर्सिव कोड होने वाला है, ये कोड मैं अभी रिकर्सिव लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं रिकर्सिव लिख रहा हूँ, बाद में इसको मैं मेमोराइजेशन कर दूंगा। कैसे करूँगा, देखो रिकर्सिव कोड मैंने क्या लिखा, पहले पहले क्या पूछ रहा है, इंट है, इंट में क्या बोल रहा है कि प्रिंट स्ट्रिंग करो, तो फंक्शन का नेम प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है। तुमको क्या पहले गिवन है, तुमको गिवन है स्ट्रिंग एस और हमने अलग से इंट आई इंट जे जो इंडेक्स है वो लिया। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने बेस कंडीशन में हम क्या लिख रहे हैं कि अगर आई इक्वल टू जे हुआ तुम क्या करो, रिटर्न वन कर दो, और अगर आई ग्रेटर देन जे हुआ तो रिटर्न जीरो कर दो। ये ठीक है, समझ में आ गया। ये मेरा क्या है, ये मेरा बेस कंडीशन वाला पार्ट है। अब देखो, अब दूसरी बात, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एंड्स वेरिएबल में ले रहा हूँ। एंड्स वेरिएबल में मैंने क्या स्टोर किया, मैंने बोला कि मेरा जो सबसे जो बड़ा आंसर हो सकता है, मैक्सिमम आंसर, वो मैं एंड्स वेरिएबल पे अभी स्टोर कर देता हूँ। एंड्स वेरिएबल मैंने क्या स्टोर किया, प्रिंट स्ट्रिंग एस आई प्लस वन। आई प्लस वन क्यों, क्योंकि मेरा जो पहला लेटर तो ऑलरेडी प्रिंट हो गया, तो नेक्स्ट नेक्स्ट बाकी बाकी जो स्ट्रिंग बचा हुआ है उसके ऊपर अब कॉल करो, ये हुआ, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग का क्या है, फॉर लूप। फॉर लूप कैसे लिख रहे हैं, इंट के इक्वल टू आई प्लस वन के लेस देन इक्वल टू जे के प्लस प्लस। इसके अंदर हमने क्या चेक किया, हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो फर्स्ट लेटर है क्या वो के बराबर है। अगर के बराबर वो है तो इन टेम्प इक्वल टू तुम करो कि इन टेम्प करो प्रिंट स्ट्रिंग को प्रिंट करो एस कॉमा, क्या कर रहे हो, एस कॉमा आई से कहाँ तक, के माइनस वन तक प्लस प्रिंट स्ट्रिंग एस कॉमा के प्लस वन से जे तक, ठीक है। और हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा जो ये जो टेम्पोररी आंसर है ये अगर मेन आंसर से छोटा हुआ तो हम एंस को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट मेरा फॉर लूप।
और लास्ट में रिटर्न कर दो एंड्स को, क्योंकि मेन आंसर यही है। क्लियर? तो ये बेसिकली तुम्हारा डीपी सॉरी रिकर्सिव कोड हो गया ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये टेस्ट केसेस सारे पास करेंगे, लेकिन वही टाइम लिमिट एक्सीडेड वाला तुमको फॉल्ट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत स्लो रन करेगा। तो स्लो क्यों रन करेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो फंक्शन कॉल्स बहुत सारे हो रहे हैं, रिकर्सन स्टैक, रिकर्सिव जो स्टैक है वो भी फिल्ड अप हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम को हम और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम करेक्ट है, तुम अगर कोई भी टेस्ट किया, तुम अगर कोई भी स्ट्रिंग दोगे लॉजिकली देखोगे, ये प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन करेक्ट सॉल्यूशन है, कोई इस पे दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब हम एक दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमारा जो रिकर्सिव कोड है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मेमोइजेशन पर। ठीक है, मेमोइजेशन में क्या कैसे करते हैं कि मेमोइजेशन में हमको एक मैट्रिक्स चाहिए जिसके ऊपर उस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल का वैल्यू स्टोर हो। हम मेमोइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि रिकर्सिव कॉल क्या होता है कि जैसे तुम अगर रिकर्सिव कोई अगर एज ए ट्री हुआ, रिकर्सिव कॉल्स ऐसे ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूँ, अगर रिकर्सिव कॉल कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे सिंगल, मतलब एक फंक्शन जो सिंगल फंक्शन कॉल कर रहा है, तो उस केस में मेमोइजेशन कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन कुछ अगर तुम्हारा फंक्शन दो दो बार कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चांस है कि मेमोइजेशन यूज़ होगा। तो अगर ये मेरा रिकर्सिव ट्री है, अब तुम ऐसे सोचो कि ये जो फंक्शन कॉल है और ये जो ये फंक्शन कॉल है, सोचो कि ये दोनों सेम है। अब ये जो फंक्शन कॉल है इसका रिकर्सिव ट्री कुछ ऐसा इतना बड़ा है, मतलब क्या है कि इसके इसके नीचे बहुत सारे कॉल्स हैं, वो कॉल सारे इसको कैलकुलेट करने के बाद ये जो आंसर मिल रहा है यही आंसर इस ये अपने पेरेंट जो फंक्शन कॉल किया है इसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा काम है। और यही अगर सेम जो फंक्शन कॉल यहाँ पे हुआ, ये सेम फंक्शन कॉल अगर यहाँ पे हो रहा है, तो इसको इसका भी जो ट्री होगा वो भी तो एग्जैक्ट इसका सेम होगा, एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ कैलकुलेशन इसको भी करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, ये जो कैलकुलेशंस हैं और ये जो कैलकुलेशंस है दोनों रिडंडेंट कैलकुलेशंस है, ये है कि नहीं, क्योंकि तुमको ये तुम ये भी कर रहे हो फिर से भी ये कर रहे हो, तो इसीलिए क्या होता है कि रिकर्सिव सॉल्यूशन तुम्हारा स्लो हो रहा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये दोनों सेम है तो जितने भी सिमिलर कॉल्स हो रहे हैं तो उनमें से कोई भी एक का जो सॉल्यूशन निकल रहा है उसको हम एक मैट्रिक्स पर कहीं पर स्टोर कर दें। सोचो कहीं पर ऐसे कहीं पर जगह पर मैंने उसको स्टोर कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये पहले यहाँ पे आके चेक कर रहा है कि इसका कोई स्टोर है कि नहीं। अगर स्टोर है तो इसको डायरेक्ट ये रिटर्न कर लो, इसको फिर से ये ट्री उसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा। तो इसी कारण के लिए हम मेमोइजेशन यूज करते हैं, जस्ट टू अवॉइड द रिडंडेंट कैलकुलेशंस। ओके, तो चलो देखते हैं कि मेमोइजेशन स्टेप कैसे करें। मेमोइजेशन के लिए मैंने क्या बोला कि हमको क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए। अगर हमको एक मैट्रिक्स चाहिए तो इस मैट्रिक्स का कुछ डायमेंशन होगा। बेसिकली पहला सवाल देख लेते हैं कि ये 1D होगा कि 2D होगा कि 3D होगा कि 4D होगा कि क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमको देगा अपना रिकर्सिव कोड। रिकर्सिव कोड बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत एक कोड होता है। क्यों होता है, क्योंकि रिकर्सिव कोड के वजह से ही, रिकर्सिव कोड से ही तुम अपना मेमोइजेशन कोड बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। तुम पहले ये चेक करो, क्या चेक करो कि मेमोइजेशन का जो मैं बोला मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स का मेरा डायमेंशन क्या होगा, 1D 2D 3D। उसके लिए रूल है, रूल देखो कि चेक नंबर ऑफ चेंजिंग वेरिएबल्स इन फंक्शन कॉल। यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, प्रिंट स्ट्रिंग। ये और कहाँ कहाँ कॉल हुआ, यहाँ एक कॉल हुआ है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन का जो आर्गुमेंट चेक करो, एक आर्गुमेंट क्या है, एस है। देखो यहाँ पे जो भी कॉल हुआ यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, तो चारों तरफ सेम है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई प्लस वन है, यहाँ पे आई है, अब फिर से यहाँ पे के प्लस वन है, तो मेरा आई वेरिएबल चेंज कर रहा है। जे पे देखो, यहाँ पे भी जे है, अभी तक चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे के माइनस वन है, यहाँ पे जे है, तो मेरा जे वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, लेकिन एस वेरिएबल मेरा चेंज नहीं हो रहा। तो कितने मेरे चेंजिंग वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ टू। तो मेरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा मेरा 2D मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स बनेगा 2D मैट्रिक्स। 2D मैट्रिक्स का क्या डायमेंशन होता है, n क्रॉस m। ठीक है, तो ये n और m का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, n और m का वैल्यू पता चलेगा उन्हीं जो i और j जो पिछले हमने कॉल किया।
बेसिकली आई जे का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कंस्टेंट अगर क्वेश्चन में देखो गिवन आएगा कि 100 होगा कि 1000 होगा, जो भी होगा, तो उसके बेसिस पे अगर सोचो कि लेट हम कर लेते हैं कि आई और जे का मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो तुम्हारा जो मैट्रिक्स होगा, अगर मैट्रिक्स का नाम जो डी पी होगा, तो हम उसके ऐसे इनिशियलाइज करेंगे कि इंट डी पी 100 100। क्लियर? ये होता है तुम्हारा आंसर ऐसे। ओके, इंट डी पी 100 100। तो डी पी टू डायमेंशन क्यों पता चला? पता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स आई और जे यही दोनों चेंज हो रहे हैं। 100 कहाँ से आया? आई और जे का जो मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ से 100 आके उठा। ठीक है, तो इस ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अब हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई फंक्शन ऑलरेडी, अगर जैसे फंक्शन कॉल अगर नहीं, मतलब फंक्शन कॉल अभी तक नहीं हुआ है और उसका वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड अगर नहीं है, फर्स्ट टाइम कॉल है, तो ये क्या करेगा? ये पहले इसको तो चेक करना होगा ना कि ये मैं फर्स्ट कॉल हूँ या फिर मेरा ये सेकंड थर्ड कॉल है। सेकंड थर्ड कॉल का मतलब ये है कि मैं पहले ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो चुका हूँ या फिर मेरे को कैलकुलेट करना है, अभी इतना बड़ा जो मेरा जो ट्री है वो उसको मेरे को वहाँ से मेरे को कैलकुलेट करना है। तो जो फंक्शन कॉल है वो पहले क्या चेक करेगा? वो पहले चेक करे, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम सोचो कि एक -1 वेरिएबल से हम इसको इनिशियल कर रहे हैं। हर एक जगह पर हमें -1 -1 पुट करना है। तो -1 पुट करने का मतलब ये है कि अगर जब फंक्शन कॉल अगर होने से पहले, सेकेंड फंक्शन कॉल अगर होने से पहले, बेसिकली चाहे मतलब पेरेंट अगर चाइल्ड फंक्शन कॉल करने से पहले, पेरेंट फंक्शन ये चेक कर रहा है कि क्या उसका वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। अगर उसका वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर उसका वैल्यू प्रेजेंट है तो वही वैल्यू वो रिटर्न कर लेगा, कॉलिंग दोबारा करने का जरूरत है नहीं। लेकिन अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे -1 नहीं है, सोचो कि यहाँ पे 5 है, 5 मतलब क्या है कि ये एक फंक्शन कहीं ना कहीं कैलकुलेट ऑलरेडी हो चुका है, तो वो क्या करेगा, 5 को रिटर्न कर लेगा। ठीक है, तो हम बेसिकली अपने रिकर्सिव कोड पे हमको बस दो जगह पे चेंज करना है। कहाँ चेंज करना है? देखो तुम एक काम करना, जैसे रिकर्सिव फंक्शन ये जो कॉल है, यहाँ पे तुमको जो मैट्रिक्स हमने डिक्लेयर किया उसको तुम्हें यहाँ पे कॉल करना है, फंक्शन कॉल होने से पहले इसको यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, फंक्शन कॉल होने से पहले अगर जब तुमको इसको कॉल कर रहे हो, मतलब बेसिकली कॉल नहीं, सॉरी, फंक्शन से पहले तुम इस मैट्रिक्स को यहाँ पे डिक्लेयर करो। ठीक है, ये मैट्रिक्स को डिक्लेयर करो, तुम स्टैटिक इंट भी कर सकते हो, ताकि क्यों, क्योंकि मैं इसको ग्लोबली क्यों मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ताकि मेरे को बार बार इसको फंक्शन आर्गूमेंट में भेजने का ज़रूरत ना हो, इसलिए मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया। नेक्स्ट स्टेप कि देखो यहाँ पे फंक्शन कॉल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मतलब चाइल्ड फंक्शन कॉल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इससे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ़ डी पी ऑफ आई जे नॉट इक्वल टू -1, मतलब अगर वो -1 नहीं हो, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, सोचो कि यहाँ पे 5 प्रेजेंट है, तो 5 को रिटर्न कर दे। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो चुका है। ठीक है, ये रिटर्न कर दिया। अब सोचो कि अगर वैल्यू कैलकुलेटेड नहीं है, मतलब वो -1 है नहीं, उसके -1 मतलब वो -1 अभी तक कैलकुलेट नहीं हो, तो ये क्या होगा, पूरा कैलकुलेशन होगा, पूरा कैलकुलेशन होने के बाद अल्टीमेटली आंसर हमारे पास इस एंस में होगा। तो एंस में अगर हम बस ये रिटर्न एंस कर देंगे तो हम तो वो वैल्यू लूज कर देंगे ना, तो फिर से हमको दोबारा कॉल करना, तो इससे बढ़िया क्या है कि ये जो एंस निकल रहा है इसको एक जगह पे स्टोर करो। तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, इसके जगह पे तुम ये लिखो, रिटर्न डी पी ऑफ आई जे इक्वल टू एंस। क्लियर? तो बेसिकली यही यही अल्टीमेटली मतलब इससे क्या हो रहा है कि ये जो एंस वेरिएबल का जो स्टोर है डेटा, एंस वेरिएबल के अंदर जो तुम्हारा आंसर स्टोर है वो पहले डी मैट्रिक्स पर स्टोर होगा, उसके बाद वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलो होप ये पूरा चीज़ तुमको समझ में आएगा। ये जो अभी जो कोड मैंने लिख दिया, ये कोड अगर तुम लिखोगे 100% श्योर रहोगे कि सारे टेस्ट केसेस ये पास करेंगे, 100% सारे टेस्ट केसेस ये पास करेंगे, चाहे लिट कोड करो, चाहे GFG करो, जिधर भी करना है करो। ओके, चलो तब अब देखते हैं कि हम इसको कोड करते हैं कैसे हैं अपने लिट कोड पे। तो चलो पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो हियर आई एम स्टोरिंग द लेंथ ऑफ द
string, then if n equal to 0, n equal to 1, return n. अगर string का 0 हुआ या फिर 1 हुआ तो answer क्या होगा? अगर 0 string होगा तो 0 होगा, अगर 1 होगा तो 1 होगा, ठीक है? उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना एक helper function declare करेंगे, s helper function 0, then n minus 1. हम हेल्पर फंक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें ये जो i और j ये दोनों चाहिए था, ये दोनों चाहिए इसीलिए हमने की, लेकिन यहाँ पे तो बस ओनली s है, तो ताकि ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं इसलिए हम एक हेल्पर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. हेल्पर फंक्शन, तो चलो हेल्पर फंक्शन पर लिख लेते हैं. पहला आर्गूमेंट क्या है? s, देन int i, देन int j. ओके, तो मैंने क्या बोला कि पहले हमें बेस कंडीशन लिखना है. बेस कंडीशन क्या था? बेस कंडीशन पहले था, अगर i मेरा j से बड़ा है तो हम क्या कर देंगे? रिटर्न जीरो. दूसरी बात देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी n इक्वल टू 1 ले लिया था, तो सिंगल स्ट्रिंग का झमेला यहाँ पे मिट गया था, लेकिन तुम फिर से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. i इक्वल टू j, i इक्वल टू j रिटर्न 1. फिर मेरा मेन ands वेरिएबल के अंदर 1 प्लस हेल्पर s i प्लस 1 j. i प्लस 1 क्यों? क्योंकि पहला वाला तो प्रिंट हो जा रहा है, इसलिए i प्लस 1. उसके बाद मेरा k लूप, k i प्लस 1 से लेके k लेस देन इक्वल टू j तक, और k i प्लस प्लस. फिर अगर मेरा फर्स्ट जो लेटर है वो अगर kth लेटर से मैच कर गया तो मेरा वहाँ पे पार्टीशन होगा, इन टेम इक्वल टू पार्टीशन दो हिस्सों में होगा, क्यों? पहला एस टू आई टू के माइनस वन, दूसरा पार्टीशन होगा एस टू के प्लस वन टू जे, और इन दोनों का एडिशन ही मेरा आंसर पे आएगा, मतलब टेम्पोररी वेरिएबल स्टोर होगा. अगर टेम्पोररी वेरिएबल का आंसर, अगर टेम्पोररी वेरिएबल मेरे आंसर से छोटा है तो आंसर को मैं अपडेट कर दूंगा, क्लियर? और एट द एंड मैं रिटर्न कर रहा हूँ आंसर. अब देखते हैं इसको रन करके कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. केस टेस्ट पास कर गया, अब ये देखते हैं कि ऑल टेस्ट केसेस पास कर सकता है कि नहीं कर सकता. ओके, सो इट इज गिविंग मी टाइम लिमिट एक्सीडेड. नाउ दिस इज व्हाट रिकर्सिव कोड लुक्स लाइक. नाउ आई एम गोइंग टू मेमोइज इट. ओके, तो मेमोइजेशन के लिए हम पहला स्टेप क्या बोले कि मुझे एक मैट्रिक्स चाहिए, 2D मैट्रिक्स, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल चेंजेस हो रहे हैं. देख रहे हो यहाँ पे i है, लेकिन वो i यहाँ पे k प्लस वन है. यहाँ पे j है, वो j तुम्हारा यहाँ पे k माइनस वन है, तो चेंज हुआ, तो इसीलिए दो वेरिएबल ही बस चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को 2D मैट्रिक्स चाहिए. अब देखो 2D मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे dp 100 100 100 100 क्यों मैं ले रहा हूँ? मैं देखो चेक कर लेता हूँ कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या है. स्ट्रिंग का लेंथ देखो 100 है, मतलब dp जो मैट्रिक्स होगा वो मेरा 100x100 का मैट्रिक्स होगा, 100x100 का मैट्रिक्स होगा. अब देख, अब क्या चेक करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं कि मैट्रिक्स को मैं इनिशियलाइज करूंगा किससे? माइनस वन से. माइनस वन से इनिशियलाइज पूरे मैट्रिक्स को करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है C++ में गिवन कि मेमसेट यूज करो. मेमसेट यूज करने का फायदा यही है कि एक ही लाइन में पूरा कोड तो हो गया, तुमको दो बार फॉर लूप लिख के करने का कोई जरूरत है नहीं. अब देखो, तो हम पहले क्या चेक करेंगे? हम चेक कर रहे हैं जैसे मेरा फंक्शन कॉल कहाँ आ रहा है, मेरा रिपीट सेकंड फंक्शन कॉल मेरा यहाँ पे आ रहा है. तो फंक्शन कॉल से पहले हम चेक करेंगे कि मेरा जो वैल्यू है वो माइनस वन है कि नहीं. अगर माइनस वन नहीं है तो वो वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे. माइनस वन नहीं है तो वो वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, और अगर वो माइनस वन है तो पूरा वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगा. पूरा वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होने के बाद एट द एंड जो आंसर आएगा वो आंसर वेरिएबल पे स्टोर होगा. तो आंसर जो वैल्यू स्टोर है, अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? जो आंसर वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर है वो हम लूज़ कर जाएंगे. तो उसको, लेकिन हमको उसको लूज़ नहीं करना है, हमको वो डीपी के अंदर स्टोर करना है. तो डीपी आई जे इक्वल टू आंसर. ये लाइन क्या हो रहा है? ये लाइन अल्टीमेटली आंसर वेरिएबल का जो आंसर है वो डीपी में स्टोर होगा, एट द एंड वो रिटर्न होगा. तो ये मेरे मेमोइज्ड कोड है, एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या होता है. गिवन सैंपल टेस्ट केस पास हो गए हैं. ओके, सो इट इज एक्सेप्टेड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड ये जो प्रॉब्लम है ये तुमको अब थोड़ा आसान लगने लगा होगा.
दो बार तीन बार अपने आप से ट्राई करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।